हाय गाइस, तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मूंग दाल से मूंग के वड़े यानी कि मंगोड़े। ये घर पे पड़ी बस दो तीन चीजों से ही बन जाते हैं, खाने में इतने लाजवाब होते हैं, बारिश के मौसम में इनको खाने का मजा ही आ जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, मैं हूँ आर्यन और मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स का वेलकम। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मेरे साथ मेरे किचन में। तो गाइस चलिए आज की मजेदार रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ली है मूंग दाल। यहाँ पे मेरे पास एक कप मूंग दाल है, वजन में देखें तो 125 ग्राम मूंग दाल है। तो इस मूंग दाल को हम लोग भिगो देंगे पानी में 2 घंटे के लिए, और 2 घंटे पानी में भिगोने के बाद ये कुछ ऐसी लगती है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, इस मूंग दाल को मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था, ये काफी अच्छी फूल चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। और अब चलते हैं अगले प्रोसेस के लिए। यहाँ पे है मेरे पास एक मिक्सर का जार, इसमें हम लोग अपनी दाल को डाल देते हैं और इसको पीस लेते हैं। इसकी हमें एकदम फाइन पेस्ट भी नहीं बनानी और इसे हम बिना पानी के पीसेंगे। इसको हमें थोड़ा दरदरा पीसना है, पूरा फाइन नहीं पीसना। ये मैं 2 बैचेस में इसको पीस लूंगा। तो गाइस अब मैं इसमें डाल रहा हूँ बारीक कटी हुई प्याज। प्याज डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रहा हूँ बेसन। यहाँ पे मैं 125 ग्राम मूंग दाल में डाल रहा हूँ 25 ग्राम बेसन यानी कि 2 चम्मच बेसन। और मसालों में मैं इसमें डाल रहा हूँ 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर यानी कि जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो इसमें 4 चांद लगा देगा, वो है 1/2 चम्मच पाव भाजी मसाला। चम्मच इसमें डालिएगा जीरा। अभी तो आप लोगों को ये मिक्सचर थोड़ा ड्राई लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसमें डालेंगे नमक तो ये अपने आप ही सही कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो मैं इसमें डाल रहा हूँ 3/4 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक, और बस अब हम अच्छे से इसको मिला लेंगे। ये देखिए काफी कम सामान से अच्छे मंगोड़े बन जाते हैं। ये मंगोड़े खाने में तो टेस्टी होते ही हैं और इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम होते हैं, तो एक बार ये रेसिपी जरूर बनाइएगा। ये देखिए अच्छे से हमने इसको मिला लिया है। साथ ही में डालिएगा 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और अच्छे से मिला लीजिएगा। तो अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आपको इनको अच्छी सी शेप कैसे देनी है। ऐसे आप थोड़ा सा डो अपने हाथों में उठाइए, ऐसे अपने दोनों हाथों में बिल्कुल ऐसे करते जाइए, और ये देखिए ये अच्छा गोल हो चुका है। तो बस ऐसे ही हम इसको फ्राई कर लेंगे। अगर आप लोग चाहें तो सिंपल ऐसे बैटर उठाइए और सिंपल फ्राई कर लीजिए, लेकिन गोल बने होते थोड़े दिखने में अच्छे लगते हैं। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं ऑयल हमारा गरम अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा हम इसमें डो डालकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए ऑयल जितना गर्म हमें चाहिए उतना गर्म है, उसी समय ये ऊपर आ रहा है और बबल्स भी बन रहे हैं। तो बस इस स्टेज पे ऑयल हमारा अच्छा गर्म है, इसमें हम लोग डाल देंगे अपने मंगोड़े यानी कि मूंग के पकौड़े। ये देखिए बिल्कुल ऐसे अपने दोनों हाथों में इनको मैं गोल गोल बनाए जाऊंगा और साथ साथ में डालता जाऊंगा। डालते समय अगर शेप थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है तो कोई बात नहीं, वो चलता है इतना तो। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं इनको यहाँ पे आप लोगों को लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छा कलर आने तक यानी कि गोल्डन ब्राउन कलर आने तक दोनों साइड से पका लेना है। फ्लेम आपकी लो टू मीडियम होनी चाहिए, नहीं तो ये बाहर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और वो खाने में अच्छे नहीं लगते। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको हम लोग पका लेते हैं 4 मिनट के लिए। आप लोग देख सकते हैं अच्छे गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो चुके हैं 2 मिनट के बाद, और बस ऐसे इनको हम लोग हिलाते जाएंगे और पका लेंगे पूरा का पूरा 4 मिनट तक।
तो गाइस 4 मिनट हो चुके हैं, हमारे मंगौड़े यानी कि मूंग के वड़े बिल्कुल रेडी हैं। इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर आया है। तो गाइस ये देखिए आज के मजेदार कुरकुरे करारी रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको सर्व कीजिए आप लोग मीठी इमली की चटनी और टमाटो केचप के साथ। खाने में ये रेसिपी बहुत स्वादिष्ट है। दाल भीगी हो तो झटपट 5 मिनट में ये रेसिपी बन जाती है। तो आप लोग भी अपने घर पे ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और नई तड़कती फड़कती डिश के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड बाय।